वसम गाइस, मेरा नाम है सौरभ और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक सौरभ। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप एक साथ मल्टीपल एप्लीकेशंस को अपने एंड्रॉइड फोन से कैसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो पूरी प्रोसेस को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे और साथ साथ हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन के आइकन को जरूर सेट कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके वो बिना किसी देरी के। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अपने एंड्रॉइड फोन पे आ चुके हैं। तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है कि एक साथ मल्टीपल एप्लीकेशंस को कैसे अनइंस्टॉल करें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। दोस्तों गूगल प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको सिंपली अपनी डीपी पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे, आपको मैनेज एप्स एंड डिवाइसेस पे क्लिक करना है। दोस्तों इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें 5 अपडेट्स यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन हमारा आज का टॉपिक अपडेट्स पे नहीं है। हमारा आज का टॉपिक है कि हम मल्टीपल एप्लीकेशंस को कैसे एक साथ अनइंस्टॉल करें। तो इसके लिए सिंपली मैनेज पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहां पे जितनी भी एप्लीकेशंस आपने गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल की होंगी वो सभी के सभी यहां पे शो हो जाएंगे। आपको इन सभी एप्लीकेशंस के सामने टिक करने का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको उन सभी एप्लीकेशंस को टिक कर लेना है जिन्हें आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं। जैसे कि ये कैलकुलेटर वाली, गूगल अर्थ, गूगल ट्रांसलेट और लास्ट में होगी यूट्यूब किड्स। तो दोस्तों एप्लीकेशंस को सिलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके सामने एक यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, अनइंस्टॉल सिलेक्टेड एप्लीकेशंस, कैंसल अनइंस्टॉल, आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको नीचे में एक मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, फोर एप्लीकेशन या फिर जितनी भी एप्लीकेशन आपने यहाँ पे सिलेक्ट की होंगी वो एप्लीकेशन यहाँ से अनइंस्टॉल हो चुकी है। तो यहाँ पे मेरे को मैसेज डिस्प्ले हो गया है, फोर एप्स अनइंस्टॉल्ड। तो दोस्तों मेरी आज की वीडियो में इतना, आशा करता हूँ मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और ज्यादा से ज्यादा शेयर, और साथ साथ हमारे चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।